And we know that we have certain enzymes that can break this particular equation specifically. And enzymes are specific. एक एंजाइम जो ग्लूकोज को तोड़ रहा है वो प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता. तो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. सो हम उस चीज को, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम उनके लिए इतनी स्टडी कर रहे हैं. अब रोजमर्रा का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कपड़ा, उसके लिए इतना कोई नहीं सिखा पाएगा कि हाँ जिसे स्टेन हटाना है हमने करना है. तो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक, बिकॉज वी आर कंजर्वेटर्स एंड वी जनरली डील विद हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो एंजाइम्स भी यूज किए जाते हैं और इन क्लीनिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लीनिंग एजेंट. नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग. अब आप कल को कोई पूछ रहा होगा जैसे कि भाई हम, मेरे को किसी ने भी मेरी टीम में से था बोला कि मैम डीआयनाइज्ड वाटर नहीं, हमने पूछा कि हम प्लेन वाटर से कर लें, तो आपने बोला कि नहीं, और मैंने कहा हाँ ठीक है, बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल बिकॉज वी डोंट नो द क्वालिटी ऑफ वाटर ओवर हियर एंड व्हाई इज इट हार्मफुल एंड हाउ वी कैन स्टिल. वो डीआयनाइज्ड वाटर है जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें से आयंस निकले हुए हैं, इसी वजह से वो हार्ड नहीं है. यहाँ पर ये हार्ड वाटर हो सकता है, बहुत ही हार्ड वाटर है ना, बहुत हार्ड वाटर है ना. अब इस हार्डनेस को अगर आपने, हमने जैसे यहाँ पे कपड़े वैसे धोने इस पानी से, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस. एंड दिस इज आल्सो यूज्ड वेयर द स्टेन इज बिकॉज ऑफ दोज मेटल आयंस, जैसे रस्ट स्टेन्स. आयरन के आयंस हैं, फेरस फेरिक आयंस हैं. अब वो जैसे हार्ड वाटर में क्या होता है, मेटल आयंस होते हैं कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, वो क्या करते हैं, सोप में झाग क्यों नहीं बनती तब हार्ड वाटर की, क्योंकि जो सोप का एक्शन है, जो मायसिल्स ने सोप का भी रिएक्शन बताती हूँ, वो आपको अब लेके आना पड़ेगा. तो वो जो डस्ट को अट्रैक्ट करना या जो ऑयली जो भी चीज़ों को पकड़ के खींचना है, उसकी जगह वो ये ले लेते हैं मेटल आयंस. सो सोप्स कैन नॉट डू देयर एक्शन, क्लींजिंग एक्शन दैट वेल, या बिल्कुल ही नहीं कर पाते अगर ज़्यादा हो मेटल आयंस को. कहीं जगह तो बिल्कुल ही वो झाग बनती नहीं कहीं जगह के पानी में, है ना. तो दे ऑक्यूपाई दैट स्पेस विच वॉज एक्चुअली मेंट फॉर द डर्ट और ऑयल और वॉट एवर इनग्रेडियंट्स दैट सोप हैज टू रिमूव. अब यही चीज तो फिर हम जब चाहे डीआयनाइज्ड वाटर यूज करें, अगर रस्ट स्टेन है तो वो यही प्रॉब्लम हमारे को शायद वहां पे भी आएगी. ठीक है, तो वहां पर ये क्लेटिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं. व्हाट दे डू इज, एंजाइम जो थे वो, उनमें हो सकते हैं दो तीन मॉलिक्यूल जुड़े हुए, एक स्ट्रक्चर है, बिग मैक्रो मॉलिक्यूल यू कैन से, है ना, एक बड़ी लंबी चेन है. आपको पता होगा एंजाइम्स का अगर आपने किया हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम वो भी डिटेल्स में बता दूंगी. दे आर लॉन्ग चेन्स, जनरली दे आर अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, और सिर्फ एक अमीनो एसिड नहीं, कई बार दो या तीन हो सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर एंगल पर शेप में जुड़े हुए हैं, तभी वो अपना काम कर पा रहे हैं, वो ताले और चाबी का एग्जैक्टली वो उस लॉक को खोलते हैं, मतलब जिसके लिए वो बने हैं, दे आर द की. एंड this particular, these agents are basically smaller molecules as compared to enzymes. Or yahan par they have, why are they called chelating agent? This is again interesting. Claw term se aaya hai, yahan shayad kahin likha bhi hoga. Claw like chelating agents. Or Greek word claw se aaya hai. Tabhi ki hai ye. Churn hi hai. Chelating agents. मैं पहले chelating agents बोल रही थी. It is chelating agents. नहीं तो powdered form और कैसे? Yeah, powder EDTA. मेरी lab में हमेशा रहता है. Not just for textile cleaning, बाकी भी conservation processes में ये बहुत use होता है. अगर lab में EDTA बंद हो जाए. अच्छा. नहीं आपने बोला ना ये हार्ड वाटर को ये सॉफ्टन कर सकते हैं. सॉफ्टन, हाँ कुछ हद तक, हाँ ये उसके इफेक्ट को, जो आयंस की पॉजिटिव आयंस है उनको एक क्लॉ की तरह पकड़ लेगा, और
यहाँ पर लग जाएगा, और वो फिर वो जो अपना डैमेजिंग इफेक्ट कर रहा था सोप को, सर्फेक्टेंट को अपना काम नहीं करने दे रहा था, तो वो सर्फेक्टेंट का काम। इसीलिए कई जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें EDTA डाला होता है या फिर कोई और क्लीनिंग एजेंट, क्योंकि ताकि वो हार्ड वाटर में भी सोप का एक्शन हो सके। तो उसमें एक चीज नहीं होती, उसमें इसके अलावा CMC भी होता है। CMC क्या काम करता है, वो डर्ट को पानी में सस्पेंडेड रखता है कि वो वापस कपड़े के ऊपर ना लगे। हाँ। एक बार खिंच गई है तो ऐसा ना, हाँ। कुछ टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा भिगो दे तो वापस लग जाएगा, तो वो CMC इसलिए डरता है उसमें। तो एक जब आप डिटर्जेंट चूज करते हो उसमें एक सिर्फ सोप नहीं है या सर्फेक्टेंट नहीं है, उसमें कई चीजें ऐसे छोटी छोटी डाली गई होती है फॉर द गुड एक्शन। This works on water or the this acts on the positive ions. It attracts, it pulls out the positive ions. अब इसीलिए rust stain में use करते हैं। अब जैसे rust stain का जे डार्क आयन की कोई ना है, आयन ऐसे सो जेन में मॉलिक्यूल आयन है, हाँ तो NH के जे डॉट ना के बना। अच्छा अपन ये आर्टिकल ना के जे पानी ने कहीं ना करा, पानी ने कहीं ना पानी नहीं आयन ना से आयन इन्हें खींचते हैं पानी के अंदर ना मेटल आयन जैसे आयन के आयंस हैं उनको ये अब डिस्टिल वाटर में आयन खींचा ही ना है कुछ माने वो दोनों के आयन को अफेक्ट करेगा। अगर फैब्रिक में भी वो है तो उसको फैब्रिक में मेटल आयन है फैब्रिक में सॉरी अब तो ये कहां पे यूज होता है ये ऐसे दो चीजें वाटर पैच अच्छा पानी से वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल बट नाउ वो पानी क्लीनिंग में तो आ ऐड करो पड़े तो आपको डिस्टिल वाटर सॉफ्ट हो जाए। हां डिस्टिल वाटर में आयन के पानी के पानी से वो जो उसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस है उनको ये मतलब खींच लेगा ताकि सोप अपना एक्शन कर सके। और दूसरा अगर जैसे रस्ट स्टेन्स हैं उसमें आयरन के आयंस होंगे, वहीं पे भी कोई मेटल आयंस को आपने खींचना है आज ये डार्क मेटल, तो वो मेटल आयंस को ये क्लॉ की तरह सॉफ्ट में होता है पाउडर फॉर्म स्टेन्स तो इस पे भी रहता है इसी फैब्रिक पे रहता है। हां तो उसमें फिजिकल चेक करते हैं हम। आई थिंक जो द फॉर्मुलेशंस इतना आसान नहीं है, एक थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन पॉटिस बना है पॉटिस इसका नहीं बना क्योंकि वो रस्ट स्टेन नहीं था और वो इसीलिए रिमूव भी हो गया। रस्ट स्टेन्स को अदरवाइज रिमूव तो माइक्रोबियल का फॉर्मूला। सो एक ये हो गया क्लीनिंग। दीस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यू नो एंजाइम्स जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग चेन्स हैं उनके, और वो भी एक मॉलिक्यूल नहीं कई बार दो तीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उनकी शेप इज वर्किंग। इसमें दिस इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, इसकी भी शेप इज वर्किंग लाइक अ क्लॉ एंड इट जस्ट पुल्स अवे द पॉजिटिव आयंस। वाओ वी हैव गॉट द मैस्टिक्स नाउ एंड वी हैव गॉट क्ले नाउ दी भाई। हां येलो भी मैच हो जाता है। एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आप फोटो पाड़ी ले मैं ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, सिंपल एक चीज बताऊंगी कि कुछ कंपाउंड्स जो हैं मॉलिक्यूल कंपाउंड जो हैं दे आर पोलर एंड सम आर नॉन पोलर। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर है इसमें दिस पार्ट इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, सो दो पोल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको हम ऐसे एक तरह से बना सकते हैं ना पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड। एंड नॉन पोलर है उनमें कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, दे आर सेम थ्रू आउट। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथेन CH4 है सब जगह हाइड्रोजन है, देयर इज नो नेगेटिव थिंग ओवर हियर, देयर शेयरिंग। कोई अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, ठीक है। सॉल्ट जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, this is again polar, Na is positive, Cl negative, something very basic I'm just I want you to recall.
और इथेनॉल जैसे हम कर लेते हैं, दो कार्बन का अल्कोहल है, इसमें थोड़ी हल्की पोलैरिटी आती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. अदरवाइज नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, दे डोंट हैव एनी पोलैरिटी. ठीक है, सो वी हैव पोलर एंड नॉन पोलर. सो पोलर इंप्योरिटीज विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. And non-polar impurities will dissolve in non-polar solvents. इसीलिए मैंने आपको एक example solvent का क्या बताया, acetone. क्यों? Acetone तो खैर हल्का सा polarity, but it is organic. और एक example हमने आम जो हम लेंगे इथेनॉल की बात करते हैं हम, ये सारे organic. इसके अलावा एक आ जाता है जैसे टॉलुइन भी है, दैट इज अगेन नॉन पोलर, दीज आर ऑर्गेनिक. तो क्यों? क्योंकि पोलर तो हम यूज करते ही हैं, वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. तो उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, विच आर ऑर्गेनिक. देयर कार्बन कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक. लाइफ इज आर ऑल whole body, carbohydrates, fats, proteins, they are all organic, made of, they are carbon compounds. सिर्फ कुछ carbon compounds inorganic. कौन है? अब यहाँ पर हम एक fabric लेते हैं suppose. When we do wet cleaning, we are generally talking about cleaning with water. जो polar impurities हैं वो तो निकल जाएंगी. Non polar, for example, oil. कपड़ों पे आम लग जाता है, तेल आप लगाते हो या हाथ में है, तो जो रह जाता है, जो पानी से नहीं निकलेगा इस fabric के अंदर, maybe some oily or proteinaceous components. ये रह जाएंगे, ये पानी से नहीं निकलेंगे. एक चीज मैं और टर्म दूसरी आपको बताती हूँ, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक. फोबिया है वाटर का, सो दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर, दे रिपेल. एंड द अदर टर्म इज हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग. सो सिंस दीज आर वाटर, दे हैव अ फोबिया ऑफ वाटर, दे वॉन्ट गो विद वाटर. They're not attracted. Oil stains. Yeah, anything, it can be any organic or non-polar. Example, oil stains. Impurity. For example, oil. For example, oil. It can be protein also. Yeah. It can be anything. So microbial, this thing are carbon. They are also organic because they are cells. ठीक है, उनमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्योंकि दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स, दे आर नॉट जस्ट मेड ऑफ. एग्जांपल्स ऑफ दीज इंप्योरिटीज लाइक ऑयल तो लिपिड्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स, पता मोटर ऑयल, कई तरह के ऑयल्स. प्रोटीन मींस कौन से प्रोटीन्स? आपके जो खाने में ही आ जाते हैं, कहीं प्रोटीनेशियस कोई चीजें आप खाना खा रहे हैं, कुछ गिर गया, दाल वगैरह, हाँ कुछ भी प्रोटीनेशियस हो सकता है. हाँ, पर दाल के साथ यूजुअली हल्दी होती है, खाली दाल का स्टेन लगता नहीं है. नहीं नहीं, दाल का स्टेन चाहे लगता, हो सकता है उसके कुछ कंपोनेंट्स रह गए हों फैब्रिक में फंसे हुए, पर ये तो ऐसे नॉर्मल है, वो तो निकल जाएगा ना. नहीं, प्रोटीन के कई है, जैसे ब्लड स्टेन है उसमें भी प्रोटीन आ जाएगा, उसमें कई चीजें आ जाएंगी. हाँ, वो नहीं निकल रहा, वो कॉम्प्लिकेट है. सो इट कैन बी एनीथिंग, जनरली आई एम टॉकिंग इट्स ऑयल, जनरल जो आम देखा गया इट इज ऑयल. सो व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन? नाउ वी नो दिस इज एक तरीका ये है कि हाँ कुछ हम ऑयली चीज लाएं तो ये ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा.
हम कुछ कई बार करते भी है हाँ, वो तो अच्छा कुछ पहले आती थी इमल्शंस एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं दूंगी उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी इमल्शंस क्या होती है यू रिमेम्बर नो यू एंड सम बर्नाया होती तो शायद बता पाती क्लींजिंग मिल्क फेस के लिए यूज करते हैं क्लींजिंग मिल्क यूज करते हैं ना वो घर में हम पुराने जमाने में क्लींजिंग मिल्क बनाते थे अच्छा और वो पता कैसे बनता था नारियल का तेल और मिल्क दे डोंट मिक्स आप दोनों को मिक्स करोगे अलग लेयर आ जाएगी तो उसकी इमल्शन बनाते थे इमल्शन कैसे आप हल्का सा गैस पे रख दो अच्छा दोनों को मिला के गैस पे रख दो थोड़ा सा हीट करोगे धीरे धीरे तो जो ऑयल है जो नारियल का तेल है उसके वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे छोटे छोटे ठीक है और देयर वुड बी पनीर बन जाता है नो पनीर नहीं एक चीज से दो तरह के होते हैं इमल्शंस वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर लाइक मिल्क इन ऑयल मिल्क इन दिस नारियल का तेल और नारियल का तेल इन मिल्क तो बेसिकली छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दे आर बड़ा जो ड्रॉप एक गॉबलेट सा है वो नारियल का तेल उसकी बजाय छोटे छोटे दे आर देखे सस्पेंडेड इन द मिल्क सो इस वजह से कई बार वो बैठ भी जाता है अलग से तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लिखा होता है शेक करने के लिए पहले फॉर यूजिंग सो दैट दे अगेन गेट लिटिल एजिटेशन इज रिक्वायर्ड एंड दे गेट अगेन इन द इमल्सीफायर सस्पेंडेड फॉर्म सो दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स अदरवाइज दे आर नॉट सॉल्युबल इन दिस थिंग वो जो दो चीजें हैं वो आपस में वैसे सॉल्युबल नहीं है लेकिन वो सस्पेंड पार्टिकल्स को हमने हीट से छोटा कर दिया और वो नाउ दे आर सस्पेंडेड और उसको क्लींजिंग मिल्क की तरह यूज करते थे और क्लींजिंग मिल्क की थ्योरी जो है जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी यही है बेसिक दे आर इमल्शंस एंड नाउ डेज माइक्रो इमल्शंस मतलब उसमें इमल्शन का साइज और छोटा कर दिया विद सर्टेन मेथड्स ठीक है एक ये चीज आ जाती है एंड नेक्स्ट इज आई विल कम टू द सर्फेक्टेंट्स What are they? These are hydrophobic. Water is water hydro. ठीक है, it's not going with it. So we take help of a molecule which has both. It has two ends. Hydrophilic and hydrophobic. Organic molecules are long chains of carbon, CH2, 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 CH2. ये लंबी चेन, ये है. CH2, 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 CH2. इसमें और कोई भी आ सकता है. So two such chains joined at one end with a inorganic group, functional group, which is polar. Now this end is actually this is polar. That's why it is hydrophilic. And this is non-polar. Hydrophobic. So it is hydrophobic. ठीक है अब इससे ये मैं माचिस की तीली को ये मॉलिक्यूल मान रही हूँ इसका मसाले वाला पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक अब ये एक मैजिक जैसा काम करता है ये इसको कैसे देखना खींच के निकालेगा लेट्स सी पहले मैं बोर्ड पे बताती हूँ फिर मैं इधर समझाऊंगी जैसे ये है एक ही मॉलिक्यूल मैं अलग से ले रही हूँ इट इज समहाउ स्टक अप इन द फैब्रिक अब हाइड्रोफोबिक जो एंड है सोप और हमने उस पानी में सोप डाल दिया तो सोप मॉलिक्यूल्स दे विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल वुड बी अट्रैक्टेड बाय द हाइड्रोफोबिक इम्प्योरिटी ऐसे सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे इसके आसपास और ऐसा करने में सारी तरफ से अलाइन कर लेंगे तो एक क्या बनेगा एक बॉल बन जाएगी जो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी और उसके अंदर मतलब ये इम्प्योरिटी ऐसे है इसके सारी तरफ ये मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया अब आप उस बॉल को वहां पे मैं बना के दिखाती देखना कि इसके बाहर की साइड पे सब पे
हाइड्रोफिलिक पार्शन है, वाटर विल टेक अप एंड दिस इज वाटर अट्रैक्टिंग, ये वाटर की तरफ खींचेगा और वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था इम्प्योरिटी वो अंदर ट्रैप हो गया. सो दिस बॉल बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक ऑन द सर्फेस सो इट विल मूव अवे विद द वाटर. सो दिस इज हाउ क्लींजिंग हैपेंस. लेट्स सी, दिस इज द इम्प्योरिटी, दिस इज द फैब्रिक. सो वी जस्ट पुट दीज. व्हाट इज फैब्रिक? टेक्सटाइल. दिस वन? या नहीं, मैं वही सिंगल ही पूछ रही थी. सो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे अलाइन, आप भी डालो जल्दी जल्दी बैठा, बिकॉज जितनी हम ज्यादा लगाते हैं हमें ये पता चलता है कि एक बॉल बन गई है जिसके ऊपर सरफेस पे इज ऑल ब्राउन विच इज हाइड्रोफिलिक, है ना. नॉर्मली मैं बना के दिखाती हूँ, इट्स मोर मच मोर ब्यूटिफुल देन दिस. एक बॉल बन जाती है, उसका सर्फेस इज ऑल ब्राउन, द हाइड्रोफिलिक पार्ट विच इज वॉटर लविंग. And this hydrophobic thing is all trapped inside, surrounded by hydrophilic surface. So it will go away easily with water. So it, in a way, these molecules उसे जुड़ के उसे खींच के पानी में ले जाते हैं. अब ये वापस ना लगे इसके लिए हमने कई components डाले हैं, CMC वगैरह, कि वो जो impurities हैं वो suspended रहे पानी में, वापस से उधर ना चले जाएं. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वो science है, वो और ज्यादा हमने रिसर्च की हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस इसमें, तो उस तरह से डिटर्जेंट्स बनते हैं. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड माइसेल. समटाइम्स टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज सम को सर्फेक्टेंट इज ऑल्सो यूज्ड, which makes the action even better, this cleansing action. But we won't talk about those details, that chemistry right now, today, it's not required. And this is called micelle formation. So this is the cleansing action of soap or detergent surfactant. Okay, so अगर oil का stain है तो oil से भी निकल सकता है. निकल सकता है. First thing, we do that. कई कपड़ों में वो औरतें तो कई कपड़ों में पानी का भी दाग लग जाता है. आपने देखे सिल्क के कई होते हैं वहाँ पानी से आप वॉश नहीं करते, क्यों लिखा होता है ड्राई क्लीन ओनली, बिकॉज़ पानी का टाइट भी आ जाता है. वो तो एक अलग चीज है, वो तो कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन वैसे भी दाग पड़ जाता है और वो इट्स डैमेजिंग. तो हम क्या बात, कई बार आप अगर वो ऑयल यूज करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल किया जाता है कई बार, तो वो उसका भी दाग पड़ सकता है वहां पर, जैसे लाइन सी, जैसे टाइट लाइन जो कह रहे हैं ऑयल की वहां पड़ जाएगी, या तो पूरा डिप करो, है ना. और दूसरा ये है कि इसमें एक फायदा है कि वाटर है तो वाटर सॉल्युबल पोलर इम्प्योरिटीज तो निकल ही रही हैं, साथ में ही नॉन पोलर भी निकल जाएंगी. सो एक ही साथ दोनों काम कर रहे हैं इसका ये. और ये जैसे इसने बताया था कि सरफेस टेंशन इंक्रीज कर रहता है, तो वो जो एक्शन है क्लींजिंग एक्शन, इट इज मोर थरो काइंड. सो आप इसमें पानी वाला हाइड्रोफिलिक भी जा रहे हैं, हाइड्रोफोबिक भी जा रहे हैं, जबकि अगर आप ऑयल से करोगे तो सिर्फ ऑयल में डुबोगे. तो उसका एक ये चीज है कि पता नहीं वो ऑयल उसको सूट करेगा कि नहीं, उसका ही दाग ना लग जाए. एक ये भी हो जाए. आपको क्वेश्चन क्या था, फिर से रिपीट करना. जैसे हमारे इसका एक हैंड हाइड्रोफोबिक है और एक हैंड हाइड्रोफिलिक है. अभी हम ऑयल से अगर निकालने जा रहे हैं, अच्छा तभी वाटर रहेगा ही नहीं, तब तो वाटर हो ही नहीं, तो फिर ऑयल इटसेल्फ, तो ऑयल में वो डिसॉल्व हो जाएगा ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये ऑयली है, ऑयल बेस्ड, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये नॉन पोलर है. नॉन पोलर आप लाइक डिसॉल्व लाइक में, ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को छोड़ के आप याद रखो पोलर डिसॉल्व्स पोलर. तो ये नॉन पोलर है, ये मैंने लिखा था शायद पहले बोर्ड, लिखा था समझा, है ना, डिसॉल्व्स नॉन पोलर. हाँ, वो उसमें पानी नहीं रहेगा. और अब सोप के एक्शन क्लींजिंग एक्शन में रुकावट क्या रहती है, अगर पानी ही खारा हो, पानी में ही मेटल आयंस हो, ठीक
ठीक है, तो हम उसको कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया सॉफ्टनर्स जो हमने डाले हैं या कीलेटिंग एजेंट्स हैं, वो क्लॉ की तरह मेटल आयंस को पकड़ के रखेंगे पानी में, तो सोप अपना एक्शन कर पाएगा। नहीं तो सोप के मॉलिक्यूल्स डर्ट ये हाइड्रोफोबिक इससे लगने की बजाय मेटल्स वो जगह घेर लेंगे, क्योंकि दे ऑक्यूपाई द स्पेसेस एंड द सोप मॉलिक्यूल्स वोंट बी एबल टू वर्क और द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर। सो उसके लिए सॉफ्टनर्स हैं, कीलेटिंग एजेंट्स हैं। So we have talked about the dry cleaning thing, we have talked about the wet cleaning and how it acts. No packaging. And now about packaging. Last Friday, our packaging. Garments को कैसे रखते हैं? Suppose हमारे पास तो ये सब flat ही है। Garments को hang भी नहीं कर सकते, तो रखते कैसे? नहीं रखते हैं, मतलब बड़ा ये भी एक अलग science है। हाँ, कैसे? ये generally flat कहा जाता है, flat और वो भी नीचे cushioning के साथ, मतलब it should not be like या रोल्स भी गिर जाते हैं जो बहुत बड़े हैं। अब जैसे टेपेस्ट्रीज हैं यूरोप वगैरह में, दे आर ह्यूज, तो वो रोल की जाती है उनको। आप फ्लैट इतनी जगह ही नहीं होगी, आप एक ही चीज को फ्लैट रखने लग गए तो जगह ही कम पड़ जाएगी। तो वहाँ जहाँ पे स्टोरेज में स्पेस की प्रॉब्लम आ जाए वहाँ रोल किया जाता है। जो कॉस्ट्यूम्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं वहाँ पे बिल्ड करते हैं अंदर से, जैसे मिनिकिन्स होते हैं ना, वो पूरी एक अलग ही साइंस है कि आप वो कैसे बनाते हो, वो बनाने का ही एक अलग आपको पूरा इतना सारा मैं रीडिंग मटेरियल दे सकती हूँ। हाउ टू मेक, हैंग नहीं करते वो, जैसे मिनिकिन नहीं हो गया, लेकिन मिनिकिन तो एक जनरल है, उसको कोई भी कपड़ा पहना दे, लेकिन हम कपड़े के हिसाब से यू कैन से एक मिनिकिन काइंड ऑफ थिंग बनाते हैं जिसे स्ट्रेस और उसमें तो वो उसको नीचे से कुशनिंग मिले और मटेरियल भी वो स्पेसिफिक होता है, नॉट एनी प्लास्टिक होता है। नो, आप मैंने कहा पढ़ी, आपने पहले बोला कि फ्लैट ड्रॉपर में डालते हैं, और विच इज हार्मफुल फॉर द टेक्सटाइल, वो खुद भी ब्राउन हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा और टेक्सटाइल में भी वो इम्पार्ट करेगा। वो जब बनता है तब उसमें वो नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में ही रहता है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में ही हम आजकल स्पेशली आजकल तो आम जो आपके A4 साइज पेपर्स नहीं होते वो भी एसिड फ्री आते, अच्छा स्पेशली आर्टिस्ट के लिए आते हैं, जो स्केच वगैरह करते हैं ना उस पर लिखा होता है एसिड फ्री। हाँ, मैं वही लेके आई थी। अच्छा अच्छा, किस चीज़ के लिए? हमारा पेपर कम पड़ गया था ना, अच्छा, अमेरिका से मंगाया था US से। अच्छा, पेपर कम पड़ गया, फिर मैं यहाँ पर एक आर्ट शॉप है वहीं से वहाँ से एसिड फ्री लाया हुआ, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें होता है कि हमारा जो आर्ट वर्क है इट शुड लास्ट लॉन्ग। एसिड फ्री क्यों चाहिए हमें? एसिड बिकॉज एसिड विल एसिडिटी इज डिटरेटिंग, इट विल ब्रेक द फाइबर। सारे क्या हैं? दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ देयर पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स। सो बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे एजिंग क्या प्रोसेस है कि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है लॉन्ग मॉलिक्यूल्स से एंड दे ब्रेक इनटू स्मॉलर, इस वजह से वो ब्रिटल हो जाते हैं। कागज आप देखोगे ना तो ब्राउन हो जाता है जब, तो वैसे टूटने लगता है, उसमें वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं? अभी मैं इस कागज को लूंगी मुड़ जाएगा ईजिली, फ्लेक्सीबल है, लेकिन अगर कोई पुराना ऐसा कागज लूंगी उसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करूंगी टूट जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो लंबे लंबे फाइबर्स हैं, जो सेल्युलोज फाइबर्स हैं, दे आर नॉट ब्रोकन, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टाइम के साथ, और छोटे छोटे छोटे, जितना पुराना होगा उतना वो ब्रिटल। अच्छा, ये ज्यादा प्रॉब्लम आती बहुत पुराने पेपर में नहीं आती, क्योंकि वो जैसे ऐसे हैंडमेड पेपर्स होते हैं मलबरी प्लांट से बने होते थे विच वॉज वेरी लाइक एसिड फ्री काइंड, लेकिन जब पेपर की डिमांड बढ़ गई
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो अखबारें हैं थोड़ा पब्लिकेशंस होने लगे, तब इतना वैसा पेपर बनाना मुश्किल था, हैंडमेड जो होता है, तो बल्क में प्रोडक्शन शुरू हुई। और उसमें क्या किया जाने लगा कि रग्स या ट्री जो उसका जो पल्प है और उसे फिर ब्लीच करना, तो उसमें कई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं विच आर एसिडिक। उसमें ये ध्यान नहीं दिया गया, उसमें तो लगा कि हाँ भाई बल्क में चाहिए तो कोई भी मटेरियल हम यूज करें, और उसको पेपर की तरह यूज करना है, वाइट करना है, तो ब्लीच कर दिया। तो वो इंडस्ट्रियल, जब वो रेवोल्यूशन के बाद का जो पेपर है उस टाइम का, जो प्रिंटिंग बुक्स आप देखोगे काफ़ी ब्राउन जल्दी जाती है, मतलब वो अभी अगर आप उस टाइम की बुक्स खोलें हम तो ब्राउन पेपर मिलता है, तो वो हमें कई बड़ी एरा से भी पता चल जाता है। जैसे आप चंडीगढ़ म्यूजियम में है कलेक्शन, तो जो पुरानी बीड्स हैं उनके गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह वो फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, कहाँ से आया है कागज उस पर भी हो जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने जो रॉ मटेरियल यूज किया है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं जो इजीली जल्दी ब्रेक होते हैं कहीं में, और एसिडिक अगर कंपोनेंट्स आसपास हों तो वो रिएक्शन जो ब्रेकिंग का है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, एजिंग फास्ट होएगी। सो दैट एजिंग तो है, जो चीज़ बनी है, जैसे आप पूज्यश्री भी बता रहे थे, जो बनी है उसने ख़त्म होना है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि उसकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। और फैब्रिक और ऐसी चीज़ें तो ये हैं मेटल के जो हैं, ये तो हमने देखे हैं इजिप्शियन टाइम के और बहुत हज़ारों साल के भी दबे हुए पड़े मिले हैं, तो दे हैव सर्वाइव्ड। तो कई हज़ार साल तक भी अगर इनका माइक्रो एनवायरनमेंट ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे तो दे कैन सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक यहाँ पर बॉक्स पड़ा है, वो ट्री ट्रीट किया हुआ ही पेपर्स का, उसको बार बार ट्रीट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ट्रीट नहीं करना, आप उसे प्रिवेंटिव मेजर्स कर दें अगर नहीं है तो, कि हम जैसे एनवलप में डाल के रखें, माइक्रो एनवायरनमेंट उसका स्टेबल है, वैसे ही वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसी तरह से इसी में डालते हैं, लेकिन अंदर क्या है, आई शुड बी वेयरिंग ग्लव्स, माइलर शीट्स में डाला हुआ, दिस इज व्हाट आई हैव, बट इन्होंने नहीं, बहुत काफी थोड़े बहुत सील्ड भी है इसमें, बहुत ज्यादा हाँ ये लूज रखा है, हाँ, है पर उसमें है ना बहुत ही टाइट है, ये वाला है तो निकलता नहीं है इसके साथ, दिस इज ऑल आई हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स एंड लॉक हो जाता है यहां पे, ये ना पता है क्या है, ये बेटर रहता है। अच्छा, ये दिस इज लाइक आपका दो साइड से खुला हुआ है और इजीली आप निकाल सकते हो, और ये जो है ना ये एक ही साइड से बंद है, तीन साइड से खुला हुआ है ये वाला, नहीं अच्छा इसमें भी दो साइड से, लेकिन आगे ये है ना, ये एक साइड से बंद है और एक साइड से ऐसा है, इट वुड हैव बीन बेटर, ये हिलता भी ना अगर ये इधर वाला एल शेप वाला होता। उन्होंने कुछ तो बहुत अच्छे किए, जैसे वो वाला है ये वाले में, एंड आई डोंट नो ये आपने किया लेबल, वहीं से होके आया उसका पेपर, कितना वर्ष है हमसे वर्षा में ना, मतलब आज खासा वर्ष तो गया, अंदर अंदर वर्ष था। आई हैव दीज थिंग्स इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज आल्सो, आई हैव ऑल द साइजेस। अब जैसे ये है, इसको पहली बात तो दे शुड बी बाउंड, आई एम सॉरी मैन नुक्स नहीं कर, बस फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज ऑल कंजर्वेशन ग्रेड थिंग, एवरीथिंग इज कंजर्वेशन ग्रेड, कंजर्वेशन वाइज ठीक है। द ओनली थिंग दैट आई फील इज, एक तो लेबलिंग वो लूज घूम फिर रही है, और दूसरा जैसे अभी पिक्चर है, साइज इज टोटली लाइक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्मॉल पिक्चर, एंड दे वी नाउ हैव बेटर फोल्डर्स जिनमें कि ये सिक्योर किए जा सकते हैं घर, जिससे कि वेन यू आर लुकिंग एट देम दे आर नॉट मूविंग इधर उधर, सो हैंडलिंग जो है वो ईजी हो जाती है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं अदरवाइज दिस इज वॉट वी हैव, आई ऑल्सो यूज दिस थिंग्स, ये माइलर शीट्स मैं यही यूज करूँगी, बट वो साइज़
थोड़ा सा उसके हिसाब से इसके लिए लेबलिंग में कोई चेंजेस कर सकते हैं हां लेबलिंग आई एम फीलिंग लाइक आई एम नॉट लाइकिंग इट या बट देन वैसे लग रहा है कि यू हैव योर्स हां लेबल्स इतने अच्छे बने बनाए भी मिलते हैं कंजर्वेशन ग्रेड लेबल स्टिकर्स ही होते हैं एंड अलग अलग तरह के होते हैं आप चूज भी कर सकते हैं सो यू जस्ट स्टिक इट टू द माइलर शीट एंड हां बल्कि प्रिंट करके भी कर सकते हो आप प्रिंट आउट से प्रिंटर से निकाल के उन्हें फिर इस पे लगा सकते हो बिकॉज दिस राइट नाउ देयर आर डिफरेंट साइजेस ये ब्राउन हो गया पेपर ब्रिटल दैट मींस इट इज नॉट कंजर्वेशन ग्रेड और मैं आपको एक एग्जांपल ये बताती हूँ इसके ऊपर पड़ा हुआ है मैं आपको बताती उनके ग्रैंडफादर ने लिखे होंगे या उनको जो आए थे ब्रिटिश आर्मी से तो उनको उन्होंने ना संभालने के लिए कि भी हमारे प्राउडली उन्होंने उसको एक रजिस्टर के पेजेस पे पेस्ट कर दिया सारे लेटर्स को मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लेटर्स का कागज तो बहुत अच्छा है अच्छे ग्रेड का था और रजिस्टर जिस पे पेस्ट किया वो उस टाइम तो वाइट होगा जब नया उन्होंने खरीदा होगा अब वो जो ओरिजिनल जो उससे पुराने लेटर्स हैं रजिस्टर से रजिस्टर तो उन्होंने दो जनरेशन बाद उस पे पेस्ट किए वो लेटर्स मैं आपको पिक्चर देखती हूँ अगर इसमें है तो भी दिखाती हूँ लेटर्स का कलर नहीं इतना डार्क हुआ जितना ब्राउन वो रजिस्टर हो गया क्योंकि वो अच्छे पेपर का नहीं बना था और कई जगह पर जो लेटर्स रजिस्टर इज वाइट क्योंकि उसकी एसिडिटी ट्रांसफर हो गई है वो लेटर जो पेस्ट किया हुआ है उसमें वो उतना वहां से जहां पर लेटर है वहां पर उतना डार्क नहीं है जितना आसपास है बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड क्योंकि वो एडहेसिव यूज उन्होंने क्या किया हुआ गोंद यूज की हुई है गोंद जो है ट्यूब में आती थी ना पहले ट्रांसपेरेंट सी उन्होंने तो बड़े मजे से अच्छी तरह से पूरी लगा के और मुझे बड़ा मुश्किल हुई थी उसे अलग करने में रजिस्टर के पेपर से ना और वो जब मैं अलग कर रही थी यू वोंट बिलीव ब्राउन वो गोंद जहाँ जहाँ थी वो भी पूरा ब्राउन हुआ बिकॉज दैट एडहेसिव वाज आल्सो एसिडिक वो पूरा ब्राउन टर्न हो गया तो ये ट्रांसफर होती है दैट्स व्हाई आई एम वरीड अबाउट दिस क्योंकि वो लेवल पे है आप देखो ये वाइट है एंड ये ब्राउन है एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड हाँ बॉक्सेस और ऑल्सो ये टेक्सटाइल में भी ऐसे ही होती है मेरे पास भी अलग है हर तरह के बॉक्सेस बट जो मैं आपको बॉक्सेस बनाऊंगी ना वो ऐसा नहीं होगा बोर्ड उसमें ये जो वाइट चीज है ये दो होगी उसके अंदर एक फोम टू और माइक्रो चेंबर टेक्नोलॉजी से कहते हैं ऐसा टाइप वो फिल हुआ होगा नो ये करोगेटेड है अच्छा इसमें ये ऐसा ये करोगेटेड है उसमें फोम टू और करोगेटेड माइक्रो चेंबर टेक्नोलॉजी करने में समझाया तू मुझे तो ये बल्कि इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें कुछ-कुछ फंसने के चांसेस होते हैं इंसेक्ट्स एंड ऑल ना तो मुझे वो फोम को मैं प्रेफर करती हूं करोगेटेड नहीं मैं प्रेफर करती जबकि आमतौर पर लोग करोगेटेड क्योंकि सस्ता पड़ता है ये बनाते हैं वो माइक्रो चेंबर टेक्नोलॉजी होती है जब दिखाऊंगी ना तभी पता चलेगा दुनिया खराब ना हो उसके लिए रिसर्च होती रहती थी और वो स्टडी होती रहती थी और वो काफी सालों से पैकेज्ड फूड तो काफी साल से आ रहा है पहले कैंड फूड आता था ठीक है उसमें भी यही कंसेप्ट कि एयर ऑक्सीजन ना हो वहां ऐसे पैकिंग की जाए और रिसर्च इम्प्रूव होती गई तो फिर प्लास्टिक की शीट्स ऐसे बनने लग गई ऐसी एक तरह की नहीं है कई तरह की है मतलब ये वाली जो अपन शीट्स यूज कर रहे हैं तो फूड ग्रेड है ये फूड ग्रेड है इसमें आप फूड बैग करके रखोगे नहीं खराब होगा सील करके रखोगे यू कैन यूज दैट सो ये फूड इंडस्ट्री से आ रहा है फूड में ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे थे ना उसमें अंदर से वो हां एक नहीं दो तरह के आते हैं एक ट्रांसपेरेंट उसमें एल्यूमिनियम बीच में ऐड होता है उसका भी अलग रीजन है तो वो मल्टी लेयर्ड है तो जब आप नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंट हो तो आपको प्रिंट समथिंग अपना ऐड देना है नाम देना है और स्ट्रेंथ देनी है मे बी तो एक मेटल नहीं वो उसमें से फिर हम यहाँ पे
कंजर्वेशन में मैं बताती हूँ, अगर रिसर्च आती है और ये सबसे लेता है मेडिसिन की फील्ड से, जैसे मेडिसिन में हम कहीं एलिसा टेस्ट कराते हैं ना, डॉक्टर्स करने को कहते हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजी हम कंजर्वेशन के ट्रीटमेंट्स में भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट के सारे मैं भी बता रही थी आपको, डेंटिस्ट के जो एक्सरेज होते हैं आजकल, हम जैसे कोई लैब्स बड़े, मेरी लैब बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी लैब है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि बड़ी सी एक्सरे मशीन, करने की जगह ही नहीं होगी, तो एट टाइम्स वी यूज दोस स्मॉलर एक्सरेज जो डेंटिस्ट यूज करते हैं ना फिल्म सी डाल के, वो वी यूज द स्टेरिलाइजिंग कैबिनेट दैट डेंटिस्ट यूज, अपना सारा वो जो इक्विपमेंट है वो एक यूवी चेंबर में डालते हैं, जिससे कि वो सारा क्लीन तो किया होता है, वैसे वॉश किया होता है, लेकिन वो स्टेरिलाइज हो जाए, सारे जर्म्स खत्म हो जाए, यूवी लाइट उस पर आती है, बंद होता है और इट गेट्स स्टेरिलाइज्ड। वी यूज दैट फॉर आवर इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर किसी एक में फंगस लगा था दूसरे में ना चला जाए, अगर मैं वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज करूँ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रो स्पैचुलास, फोर्सेप्स, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर यूज्ड। प्रोब, फिर वो कर्व वाला होगा, हाँ वो वाला pointed there are so many things, so we have taken things, treatments and material from medicine, dentistry and food industry, from maybe all the pharmacy se bhi li gayi hai,